नमस्कार मित्रों, मैं ज्वाली से पंडित विपिन शर्मा एस्ट्रोलॉजर, आप सभी को बैसाखी के इस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ओर से, ज्वाली वासियों की ओर से, पूरे प्रदेश वासियों को बैसाखी के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब इस अवसर पर मिलजुल के रहें, क्योंकि यही समय होता है जो मेलों में मिलते हैं और जो पुराने रीति रिवाज चले होते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग जो कार्य कर रहे हैं, इनको आगे नई पीढ़ी भी चला रही है। तो इस अवसर पर हम सबको मिलजुल के बिना किसी भेदभाव से समाज में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो एक बार पुनः आपको बैसाखी के महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। पांडवों द्वारा अज्ञात वास के दौरान निर्मित मिनी हरिद्वार ज्वाली में बैसाखी संक्रांति के अवसर पर दूर दराज से महिलाओं ने आकर श्रद्धा की डुबकी लगाई तथा पुण्य कमाया। मिनी हरिद्वार ज्वाली में सुबह 4 बजे ही लोगों का स्नान हेतु आगमन शुरू हो गया था तथा देर शाम तक बदस्तूर जारी रहा। महिलाओं के स्नान के लिए टेंट नुमा स्नानागार बनाए गए थे तथा महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने कहा कि पांडव अज्ञात वास के दौरान इस स्थल पर रुके थे। महाबलशाली भीम ने इस स्थल पर एक कुदाला मारकर नहाने के लिए सरोवर बनाया था। दूसरी तरफ SDM ज्वाली महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि किसी को भी नहाने के लिए गहरे पानी की तरफ नहीं जाने की अनुमति है। उन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन को विशेष रूप से इन स्थानों पर तैनात रहने के निर्देश जारी किए हैं। ज्वाली में आज मिनी हरिद्वार के पास बैसाखी का जो पर्व है, बहुत ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें आज सुबह से काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं। बताया जाता है कि पुराने समय में पांडवों ने यहाँ पे एक मिनी हरिद्वार का निर्माण किया था और उस स्थान को यहाँ पे मिनी हरिद्वार का नाम दिया गया है। यहाँ पे जो लोग अपने परिवार के, जिन लोगों की मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो वो हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, तो वो हमारे इस ज्वाली के देर खड़के समय पर अस्थि विसर्जन करते हैं। और आज काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, स्नान आदि करके अपने पुण्य कमा रहे हैं। परंतु बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे ज्वाली में काफ़ी समय से सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक इसके निर्माण के बारे में ज़्यादा विचार नहीं किया है। सब लोग घोषणाएं करते हैं, तो मैं सरकार और प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि जो मिनी हरिद्वार ज्वाली है देर खड़ के समीप, वहाँ पर एक तो स्नान आदि के लिए बाथरूम वगैरह जो होते हैं प्रॉपर तरीके से बनाए जाएँ, और वहाँ पे सफाई का कोई इतना विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। और कुछ लोग आते हैं, बच्चे वगैरह होते हैं, जो लड़के बाहर से आते हैं वो आगे पीछे नहाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे ताकि कोई अनहोनी घटना ना घटे, और हम सरकार से ये आग्रह करते हैं कि इस मिनी हरिद्वार को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त व संजीव राणा की रिपोर्ट।